देखिए, एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जबकि आप दो फील्ड सेम लेंगे, जैसे दो टेबल्स हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ नया डेटाबेस हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल्स दोनों टेबल्स के बीच में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ स्टूडेंट का, तो ये स्टूडेंट के नाम से बना दिया एक टेबल, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी या रोल नंबर आएगा। तो जैसे मान लीजिए ये कर दिया रोल नंबर, तो ये लिख दिया रोल नंबर, अब ये ऑटो नंबर कर दिया, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया, ये कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर दिया। अब इस फील्ड में दो ही, इस टेबल में दो ही फील्ड्स हैं, ठीक है। अब दो फील्ड में एक फील्ड प्राइमरी की है, रोल नंबर प्राइमरी की है, आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर अभी हम जब डाटा एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाटा एंटर किया राम श्याम, ऐसे करके कुछ डाटा एंटर कर देते हैं इसमें, सचिन राजू, ये राजू लिख देते हैं, RAJU, और ये सचिन है SACHIN, ठीक है। तो ये कुछ डेटा एंटर कर दिया और इसको सेव कर देते हैं, सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो ये तो पहला टेबल हो गया रिलेशनशिप के लिए, दूसरा टेबल जरूरी है तो यहाँ से दूसरा टेबल बना लेते हैं। अब दूसरे टेबल का क्या है, यहाँ पे मैं RESULT रिजल्ट के नाम से ये बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आईडी को हमने क्या किया है, ये आईडी दिया है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रजिस्ट्रेशन आईडी कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर कर देता हूँ अंडरस्कोर नंबर, तो ये दे दिया हमने। अभी इसको ऑटो नंबर रख दिया है और यहाँ पर क्या करूंगा रोल नंबर दूंगा, तो ये लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, तो रोल नंबर कर दिया। अब दोनों फील्ड सेम हो गई, ये देखिए ये पहले वाले में भी सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा नंबर डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। वहां पर ऑटो नंबर रखा था लेकिन यहाँ पे नंबर रख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पे क्लास कर सकते हैं, तो ये क्लास कर देंगे, तो जो भी क्लास की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होगा, देखिए बड़ा आसान है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे रोल नंबर यहाँ वन से ही शुरू होगा, अब मान लीजिए क्लास की बात करें, यहाँ रोल नंबर वन कर देंगे, और क्लास की बात करें तो यहाँ क्लास 12 कर देंगे, यहाँ पर बात करें तो यहाँ रोल नंबर 2 हो जाएगा, ये भी क्लास 12 ही रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर 3 रहेगा और ये भी क्लास 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर दिया। आप दोनों में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करी जाए, तो क्रिएट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पर आपको डेटाबेस टूल्स मिलेगा और यहाँ रिलेशनशिप मिलेगा, दोनों टेबल्स को आपको ले लेना है। ये पहला टेबल आ गया और ये दूसरा टेबल आ गया, पहला वाला टेबल हमारा क्या था स्टूडेंट वाला था, तो स्टूडेंट वाले को इधर लेके आ जाएंगे। अब देखिए रोल नंबर ये जो है ना इसको उठा के यहाँ रखिए, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, ये रख दिया तो भी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए वन टू मेनी रिलेशनशिप ऐसे क्रिएट करी जाएगी। तो अब ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, फायदा क्या है इसका, यहाँ पर आएंगे ना स्टूडेंट वाले टेबल पे तो यहाँ प्लस का साइन नजर आएगा और यहाँ से आप पूरी डिटेल एक्सेस कर सकते हो, ये फायदा है रिलेशनशिप का, ठीक है। और इसको क्रिएट कैसे कराया जाना चाहिए ये भी मैंने बता दिया, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।